रावण को कई बार आजकल मैंने देखा पिछले दशहरे पे, इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं लोग रावण को कि उसने सीता को हाथ नहीं लगाया, तुम ज्यादा बड़े रावण, रावण तो बहुत अच्छा था। रावण जब स्वर्ग लोग गया था तो रंभा उसको मिली वहां पे, रंभा को अपने साथ आजा, रंभा बोली नहीं नहीं मैं आपकी पुत्र वधु हूं। पकड़ लिया रंभा को, खींच के जबरदस्ती करी और उनके साथ में दुष्कर्म किया। श्राप दिया रावण को कि आइंदा से अगर तुमने किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर छू भी लिया तो तुम्हारा सर 100 टुकड़ों में बट के समाप्त हो जाएगा। ये कारण था रावण ने सीता को नहीं छुआ। रावण ने तो अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया और उनके साथ भी दुष्कर्म किया, जबरदस्ती किया, जिसके कारण उन्होंने बाद में उनको श्राप दिया और बोला स्त्री की वासना ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। रावण 10 सर 20 आंखें फिर भी नहीं दिख रहा उसको, क्या करना चाहिए, 20 आंखों से भी नहीं दिख रहा है। हरे कृष्णा। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा किया फोकस के बारे में और इस बार चर्चा होगा कि जो फोकस नहीं करता उसकी जिंदगी में क्या होता है, क्या आउटकम निकल करके आता है। तो भोग ऐश्वर्य का क्या इंपैक्ट है, जरा मेरे पीछे श्लोक बोलिए एवरीबॉडी, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इसको आप जीवन में उतारते हैं तो जो प्रिंसिपल आध्यात्मिक है वही भौतिक भी होते हैं। भौतिक प्रिंसिपल आध्यात्मिक नहीं होते, आध्यात्मिक प्रिंसिपल भौतिक जीवन में चल जाते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हरि बोल। जितना सेंस ग्रैटिफिकेशन बढ़ता है उतना सफलता की संभावना अपने आप घटता चला जाता है। सेंस ग्रैटिफिकेशन विल किल द रेपुटेशन एंड कॉन्शियसनेस ब्रिंग्स सीरियसनेस इन बिजनेस, जो भी बिजनेस है आपका। तो समटाइम्स केवल इंद्रिय तृप्ति नहीं, इंद्रिय तृप्ति के पीछे की जो रॉन्ग फिलॉसफी है, जो माइंडसेट है, वो इंद्रिय तृप्ति को बिल्ड करती है। अभी सुनना मेरी बात, कोई स्टूडेंट्स कितने यहां पे हाथ खड़ा करें, जितने स्टूडेंट्स हैं, बहुत काम की बात बताने वाला हूं आपको। क्या ऐसा लगता है मेरे को भगवान ने श्लोक आप ही लोग के लिए बोला है, बाकी लोग काम आ जाएगा उनको, आप लोग और ध्यान से सुनो। क्या जब जेब में हो मनी तो क्या करेगा शनि, फिलॉसफी है। ऐसा है मेरे भाई, सबसे बड़ा पैसा है और जब तक तेरे पास पैसा है दुनिया पूछेगी मेरा भाई तू कैसा है। जब पैसा नहीं आपके पास तो सुंदर मेले में भी रहेगा उदास, फिलॉसफी है। बस ट्रेन और लड़की इसके पीछे नहीं भागना चाहिए, एक जाएगी दूसरी आएगी। एक्साइटेड मत होइए। मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को भी होता है दर्द। गलत बिलीफ है ये और यही फिर उसके बाद क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं, क्योंकि ये बिलीफ फिर आपको भोग ऐश्वर्य की तरफ ले जाते हैं। भाई जब तक तू लड़की के पीछे भागेगा लड़की पैसे के पीछे भागेगी, जिस दिन तू पैसे के पीछे भागेगा लड़की तेरे पीछे भागेगी। रॉन्ग फिलॉसफी। अगर खूबसूरत लड़की को कोई ना छेड़े तो वो उसे अपनी बेइज्जती समझती है, कितना फिलॉसफी है। जब तेरी जेब में पैसा होगा तेरी इज्जत अपने आप होगी। अकेली लड़की खुली तिजोरी के समान है। एक आदमी की लाइफ में शराब पीने की कैपेसिटी और बैंक बैलेंस दोनों कभी खत्म नहीं होना चाहिए। पैसा कमाने के दो रास्ते, एक शॉर्टकट और एक छोटे वाला शॉर्टकट। इफ यू कांट चेंज द गर्ल चेंज द गर्ल। बहुत सारी फिलॉसफी है। लोग कहते हैं कि हर आदमी बिक सकता है, बस उसका मोल लगाना आना चाहिए। एक भाई कहता है कि कुत्ते के मुंह से हड्डी और मेरे हाथ से नोट की गड्डी यमराज भी नहीं छीन सकते। क्या होगा ऐसे लोगों का? ये जितनी खराब फिलॉसफीज हैं, ऐसी सोच रखने वालों के लिए है तीन दवाई, जूता चप्पल और जरा जोर से पिटाई। इसको समझने के लिए भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, हाथ अगला ये भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता। प्रसक्ता मतलब विशेष अटैचमेंट, आसक्ति प्रसक्ता, प्रकृष्ट रूपेण आसक्ति मतलब इतना अटैच्ड है आदमी, इसको मजा करना है जिंदगी में। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन राहुल भाटिया एंड विजय माल्या। राहुल भाटिया इज द चेयरमैन ऑफ इंडिगो एयरलाइंस, विजय माल्या यूज्ड टू बी द चेयरमैन ऑफ
किंग फिशर द किंग ऑफ गुड टाइम्स, क्या फर्क हुआ? जितनी भी एक्विजिशन करी विजय माल्या ने, वो सारी एक्विजिशन इस चक्कर में करी कि जिंदगी में मुझे और मजा दे सके। विजय माल्या बॉलीवुड की मैगजीन खरीद रहा है, विजय माल्या रेस कोर्स खरीद रहा है, विजय माल्या शराब के नए ठेके खरीद रहा है, विजय माल्या बॉलीवुड की मैगजीन्स के बाद में अलग अलग प्रकार की बॉलीवुड के वेबसाइट्स को खरीद रहा है, विजय माल्या ग्लोबल स्पोर्ट्स सॉकर टीम खरीद रहा है, क्रिकेट टीम खरीद रहा है, पार्टिंग क्लब खरीद रहा है, फुटबॉल क्लब खरीद रहा है, रेस कोर्स खरीद रहा है। इनका कोई लेना देना नहीं उसके बिजनेस से, इनका लेना देना है मनोरंजन से। पर भक्त जो गीता पढ़ता है उसका मनोमंजन होता है, और उस मनोमंजन में जो मनोरंजन है वो अपने आप जिंदगी भर भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। ऐसा आदमी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रॉब्लम विद विजय माल्या वॉज भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम। चेतना डिस्टर्ब हो जाती है ऐसे आदमी की, समाधो न विधीयते। ऐसा आदमी समाधि में प्रवेश नहीं कर सकता। कैसा आदमी? जो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। कैप्टन गोपीनाथ बोले ही इज द विक्टिम ऑफ फ्लैम्बॉयंस। इकोनॉमिक टाइम्स ने बोला पीपल लव टू हेट विजय माल्या। फर्क क्यों हुआ? क्योंकि विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइन 6,000 करोड़ के लॉस में और लोन में चली गई, और वो सबसे मुश्किल धंधे के अंदर भी राहुल भाटिया 6,000 करोड़ के लॉस में, ये 600 करोड़ के प्रॉफिट में, नोट छाप रहे। फर्क क्या था? विजय माल्या की कंपनी में फीमेल मॉडल्स थी, इंडिगो एयरलाइंस में बिजनेस मॉडल था। फीमेल मॉडल नहीं चाहिए, बिजनेस मॉडल चाहिए। फर्क यही था कि ये मॉडल को बार बार चेंज करता रहा, लग्जरी से इकोनॉमी, इकोनॉमी से लग्जरी, वो एक स्टेबल मॉडल बिल्ड करता रहा, बिजनेस मॉडल। राहुल भाटिया एकमात्र हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग एयरलाइंस कंपनी है भारतवर्ष की। जितनी बार आप मॉडल्स को चेंज करते हो उतनी बार स्टेबलाइज होने का मौका नहीं मिलता। इधर विजय माल्या मॉडल बार बार चेंज करता रहा। इन्होंने पहली लाइफ में एक ही एयरक्राफ्ट खरीदा, और उसके हर 6 हफ्ते बाद एक एयरक्राफ्ट, हर 6 हफ्ते बाद एक एयरक्राफ्ट, हर 6 हफ्ते बाद एक एयरक्राफ्ट, अपने आप को स्टेबलाइज करते गए और लॉन्च करके बड़ा करते चले गए। ये फास्ट और केयरलेस थे, ये स्लो और एग्जीक्यूशन में एबल थे, इनका एग्रेसिव एक्सपेंशन था, इनका मेजर्ड एक्सपेंशन था। फर्क यही था। सांसद होने के कारण विजय माल्या को कर्जा आसानी से मिलता था, आसानी से लिए हुए कर्जे को ध्यान से नहीं खर्च किया। और ये सांसद नहीं थे, ये बोले बाजार से पैसा आसानी से नहीं मिलता इसलिए बहुत ध्यान से खर्च करूंगा। ये कर्जे में डूबते चले गए। क्यों? क्योंकि इनके पास जो पैसा आता था उसको लगा देते थे स्विमवेयर मॉडल मैगजीन्स पे, कैलेंडर पे। ऐसे ऐसे कैलेंडर लॉन्च किए जहां पे लड़कियां स्विमिंग वेयर में घूमती हैं समुद्र के किनारे, और उसके बाद शराब की बोतल हाथ में लेकर के रात को 2 बजे लड़कियों का, फीमेल मॉडल्स का इंटरव्यू। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया फिर चेतसाम। आप संसार में भी सफल नहीं होंगे, पढ़ाई में सफल नहीं हो सकते। प्रॉब्लम क्या है कि आपके माइंड में फोकस इसीलिए नहीं आता। भस्मासुर के बारे में सबने सुना, भगवान शिव की खूब तपस्या करी, अब भगवान शिव भी टेंशन में आ गए, इतनी तपस्या कर रहा। भगवान शिव आ गए, अवतार लिया, दर्शन दिया उसको, बोले क्या चाहिए? बोला ऐसा वरदान दो जिसके सर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। भगवान शिव को बोलना पड़ा ततास्तु। फिर ये भगवान शिव के पीछे भागे, अभी आप ही को भस्म करूंगा। क्या भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापृत चेतसम। कैसे? एग्जाम्पल सुनना। भगवान शिव भाग करके गए किनके पास? अल्टीमेटली सबको उधर ही जाना, त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वरम, भगवान श्री विष्णु के पास गए। बोले बचाओ मुझे। बोले क्या हुआ? बोले भस्मासुर को मैंने वरदान दिया, अभी मुझे भस्म करने आ रहा है। भगवान ने बोला इजी है। बोले कैसे? मोहिनी रूप बनाया, मोहिनी रूप बन करके भगवान शिव से पहले भस्मासुर के आगे आ गई मोहिनी। वो इतना भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, इतना अचानक डिस्टर्ब हो गया मोहिनी को देख के कि उनको बोला है शिवजी को छोड़ो, तुम मुझसे विवाह कर लो। बोले ठीक है, मैं विवाह तो उसके साथ करूंगी जिसको डांस करना आता हो, नृत्य करना आता हो। बोले वो मुझे आता नहीं, सिखा दो। मोहिनी बोली सिखा दूंगी, और डांस में उसको लगा दिया, वो भी डांस करने लगा। भस्मासुर डांस करते करते अलग अलग स्टेप किए, और ऐसा पीछे हाथ रख के ऐसे ऐसे स्टेप किया, उसने भी ऐसे ऐसे किया, अपने ही सर पे हाथ रख लिया, भस्म हो गया। इसको बोलते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। क्यों? उसको याद नहीं रहा। आदमी की मेमोरी उसी दिन समाप्त हो जाती है जिस दिन उसका भोग ऐश्वर्य में मन लगता है। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूं कि जिंदगी में कुछ भी बनने का हो,
सारी किताबों से पहले अपने हाथ में भगवद गीता रखना सफलता की है वो कुंजी जो दुनिया में और कोई नहीं दे सकती, क्योंकि पृथ्वी के इतिहास के पहले मोटिवेशनल स्पीकर भगवान कृष्ण ही थे। भस्मासुर तो परफेक्ट एग्जाम्पल, संसार में भी बहुत एग्जाम्पल। ये बिल क्लिंटन वर्सेस बराक ओबामा, एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे शक्तिशाली देश के दो सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपतियों में से एक रहे, एक 42वां राष्ट्रपति, एक 44वां राष्ट्रपति अमेरिका का। वो 42वें थे बिल क्लिंटन, और ये भाई साहब 44वें थे बराक ओबामा। दोनों में जमीन आसमान का अंतर, दोनों ने बड़े बड़े डिसीजन लिए, दोनों दो बार आए अमेरिका में, दोनों ने शराबी पिता और अपनी मां के साथ जिंदगी बिताई, दोनों में कई समानताएं थी, पर काम करने की शैली दोनों की बिल्कुल अलग थी। बिल क्लिंटन कॉन्स्टेंट स्कैंडल्स में फंसे रहे, पॉला जोन्स, मोनिका लिविंस्की, अलग अलग केसेस में फंसे। बराक ओबामा हर संडे चर्च जाते थे, इतने धार्मिक थे। बराक ओबामा लॉयल्टी और इंटेग्रिटी के लिए जाने जाते थे। यह बिल क्लिंटन के आने के टाइम पे फेडरल प्रिजनर्स और क्राइम डबल हो गया, बराक ओबामा के आने पे पिछले 30 साल में लोएस्ट हो गया। बिल क्लिंटन के टाइम पे चढ़ती हुई इकोनॉमी गिरती हुई निकल के गई। 2007 आते आते अगले राष्ट्रपति के हाथ में फेडरल बैंक के क्राइसिस हो गए, बैंकिंग क्राइसिस हो गए, और जब बराक ओबामा के हाथ में आया 25 मिलियन नई जॉब क्रिएट करी, 30 साल में सबसे ज्यादा सफल राष्ट्रपति बने। ये फ्लैम बॉयज के लिए जाने जाते थे, वो इंटेग्रिटी के लिए जाने जाते थे। ये अपनी गलतियों के कारण और अपने आप को हीरो दिखाने के लिए जाने जाते थे, ये भारत, ये अमेरिका देश को हीरो बनाने के लिए जाने जाते थे। यही अंतर मुगल और मौर्य साम्राज्य में भी था। मुगल साम्राज्य की खास बात क्या थी कि ये कब किसको मार दे, अपने भाई को अपने पिता को मालूम नहीं, ये कब किसके साथ संबंध बना ले शारीरिक, अपनी मां अपनी बहन और प्रजा में किसी के साथ पता नहीं। मुगल साम्राज्य के अंदर कितने ऐसे केस निकल के आए जहां अपने ही बेटे को, अपने ही भाई को, अपने ही पिता को मरवा दिया गया। पर मौर्य डायनेस्टी चाणक्य पंडित की गाइडेंस में शुरू हुई थी। वहां पे इंद्रिय तृप्ति को हटा करके इंद्रियों को समाज की सेवा में लगाने के लिए बताया गया था। चाणक्य पंडित ने जहां गाइडेंस दिया वहां गेम चेंजर था। मौर्य डायनेस्टी ऐसी थी कि राम राज्य के बाद यह दूसरा ऐसा राज्य आया पूरे भारत के इतिहास में जहां प्रजा हमेशा सुखी रही है। राम राज्य के बाद यह दूसरा ऐसा राज्य आया जहां सबसे बड़ी सेना पिछले 2500 साल में आज तक कभी हुई है। राम राज्य के बाद यह दूसरा ऐसा राज्य आया जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन सबसे अच्छे रहे। पहली बार ब्यूरोक्रेसी इंट्रोड्यूस करी गई, पहली बार मिनिस्ट्रीज बनाई गई, पहली बार सेंट्रल टैक्स सिस्टम बनाया गया। राम राज्य के बाद यह दूसरी बार ऐसा हुआ था जब लोग बहुत खुश और प्रोग्रेस और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही थी, क्योंकि यहां गाइडेंस चाणक्य पंडित की थी। मुगल साम्राज्य में भोग ऐश्वर्य, और यहां पे क्या है, समाधो, वहां ना विधीयते, यहां परमानेंट समाधि थी। फर्क क्या है दोनों में डायनेस्टी में, जब अकबर ने बैटल ऑफ पानीपत खत्म किया तो जितने सर काटे उन सर काट के उन सारे सरों को जोड़ करके एक मीनार बना दिया और सेलिब्रेट किया कि मैंने बैटल ऑफ पानीपत में इतने सर काटे, इतना बड़ा किला, इतनी बड़ी मीनार खड़ी कर दी। और नंदा डायनेस्टी को सम्राट खत्म करने के बाद जब मौर्य डायनेस्टी आई, चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन, उनके पोते कौन, सम्राट अशोक, जब उन्होंने बैटल ऑफ कालिंगा लड़ा तो उसके बाद इतने दुखी हो गए कि इतने लोगों को मारा कि उन्होंने बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया और जाकर के माफी मांगी और बोला आज के बाद किसी को मरने नहीं देंगे। यह फर्क था मुगल और मौर्य सम्राट में। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। समस्या वहीं से आती है, एक ने किलिंग को सेलिब्रेट किया, एक ने किलिंग से एब्स्टिनेट किया। ये जब जब ऐसा होगा देवराज इंद्र भी भटक सकते हैं, तो मेरी और आपकी क्या मिसाल है भैया। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जब अर्जुन यह कह रहे हैं कि मैं पूरे चक्रवर्ती तूफान को कंट्रोल कर सकता हूं पर मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, चंचलम ही मना कृष्णा, इंद्र वैसे ही कितने भोग विलास में डूबे हुए आसपास कहीं अप्सराएं पर मन नहीं भरता, पृथ्वी पे घूमते घूमते आ गए और आकाश से देख रहे कि अरे एक जंगल के अंदर बड़ी सुंदर स्त्री घूम रही है, बोले ये कौन है, तो पता चला ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। इंद्र से कंट्रोल नहीं हुआ, इंद्र ने देखा गौतम ऋषि क्या करते हैं, पहले पूरी रेकी करी, पता चला गौतम ऋषि रोज सुबेरे, इतने बड़े तपस्वी हैं, सुबह भोर से पहले उठ करके अपने नित्य कर्म करने के लिए नदी के पास जाते हैं। नया आवरण बनाया इंद्र ने और आवरण बना के खुद को गौतम ऋषि बना लिया। जैसे ही पति गौतम ऋषि निकले नित्य कर्म के लिए नदी के पास, शौच क्रिया करना, स्नान करना,
ये वो अप्सरा बला की खूबसूरत सौंदर्य की देवी, वो अहिल्या के पास चले गए और खुद गौतम ऋषि बन के चले गए और उसके साथ जाकर के संभोग करने का प्रयास किया। उधर गौतम ऋषि को कहीं ना कहीं महसूस हो गया कि पीछे कुछ गड़बड़ हुई है, मेरे साथ छल हो रहा है। गौतम ऋषि जब अपनी कुटिया में वापस लौटे तो उन्होंने इंद्र को उनके साथ सोता हुआ अपनी धर्मपत्नी के साथ देखा। ऋषि थे और वो वहां पे उन्होंने उस क्रोध को सेवा के लिए जागृत किया, अपनी पत्नी को श्राप दिया, वो पत्थर बन गई। उनको श्राप इसलिए दिया क्योंकि आगे चल के भगवान राम ने उनको आशीर्वाद दे करके हाथ से छू करके पत्थर से वापस अहिल्या बनाना था, लेकिन जब इंद्र को उन्होंने श्राप दिया तो उनको बोला तुम्हारे शरीर पे हजारों स्त्री की योनियां बन जाएंगी, जो जिसकी तुम भोग विलास की इच्छा करते हो, तो मैं इतनी योनियां देता हूं। पूरे शरीर पे योनियां बन गई उनके। उन्होंने माफी मांगी, जब बहुत क्षमा मांगी तो उनको आंखों में परिवर्तित कर दिया, इंद्र के शरीर पर हजारों आंखें। ये क्यों इंद्र जैसे इंटेलिजेंट व्यक्ति से भी हो जाता है और ये हमसे, मुझसे, आपसे, किसी से हो सकता है? भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया भृत चेतसाम समाधो ना विधीयते। ऐसा आदमी समाधो मतलब हाथ अगला एक मौन एक, ये जो समाधि हमने पिछले श्लोक में समझी थी एक, आज उसी श्लोक का, क्योंकि भगवदगीता जो है वो कंटिन्यूएशन में एक के बाद एक चर्चा चल रही है, तो वो रिलेशन है पिछले वाले का इससे। और आप यही देखते हैं कि इंद्र, आज हम गोवर्धन पर्वत के साथ में परिक्रमा मार्ग के नजदीक बैठे हैं, दिव्य स्थान है, तो यहां इंद्र को याद किया तो इंद्र की हमें गिरिराज जी की लीला भी याद करनी चाहिए। जब छोटे भगवान कृष्ण उन्होंने मना किया कि भाई इंद्र के पीछे मत भागो, गोवर्धन की पूजा करो, तो इंद्र को गुस्सा आ गया। इंद्र ने बोला कौन है ये बालक, बचाएगा तुम्हें गोवर्धन, बचा लेते हैं। भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी को अपने हाथों पर उठाया, हम सबको वो लीला पता, लेकिन इंद्र इतना गुस्से में आ गए, ऐसी बारिश करी कि एक एक बूंद का वजन 100-100 हाथियों के बराबर, इतनी बारिश करी कि इंद्र थक गए, पर भगवान नीचे मुस्कुराते रहे। तब इंद्र को समझ में आया अरे गड़बड़ हो गया। भोगेश्वर्य से सबसे बड़ा रिजल्ट यह है कि एक आदमी जिसकी कोई एक समझो सरपंच है, वो भी अगर भोगेश्वर्य में पड़ जाता है तो प्रधानमंत्री के खिलाफ इलेक्शन में लड़ने की बात करने लगता है, भाई संभाल लेगा। इंद्र के साथ ऐसा ही हुआ, ऐसा नहीं होता कई बार लड़के लड़के आपस में ड्रिंक, भाई आज भाई गाड़ी चलाएगा, वैसा ही हो गया उनके साथ में। ये इंद्र कौन है भगवान के सामने, लेकिन भगवान से लड़ने पहुंच गया। हाथ आगे लाए क्यों? भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम। द प्रॉब्लम विद भोगेश्वर्य इज दैट यू इमीडिएटली गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड इल्यूजन टू दिस एक्सटेंड, इतना डिस्ट्रैक्ट इल्यूजन हो जाएगा कि समझ में नहीं आएगा मैं लड़ किससे रहा हूं। आज समझोगे मैं लड़ किससे रहा हूं, और उसी चक्कर में व्यक्ति फंस जाता है। हुमायूं इतना भोगेश्वर्य में रहता था, कि मुगल डायनेस्टी में सबसे ज्यादा पॉपुलर था हुमायूं। उनके पिता बाबर फिर भी स्ट्रांग थे, उनकी मृत्यु के बाद जब हुमायूं आया तो परमानेंट मजा कर रहा था, आनंद ले रहा था। बहुत बड़ी सेना थी, 40,000 की सेना, हुआ शेरशाह सूरी आए उनकी 15,000 की सेना। बस क्योंकि हुमायूं के पास लीडरशिप नहीं दिया, प्लानिंग नहीं किया, स्ट्रैटेजी नहीं बनाया, आपस में कम्युनिकेशन नहीं रखा, टीम्स के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाया, वॉर की प्रैक्टिस नहीं करी, इसलिए 15,000 की सेना ने 40,000 को तुरंत बर्बाद करके उखाड़ के समाप्त कर दिया। इसका कारण क्या है? भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम। रावण को कई बार आजकल मैंने देखा पिछले दशहरे पे, इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं लोग रावण को कि उसने सीता को हाथ नहीं लगाया, तुम ज्यादा बड़े रावण, रावण तो बहुत अच्छा था। हाँ ठीक है, उसको संस्कृत का ज्ञान था, उसके चार वेदों का ज्ञान था, वो भगवान शिव का भक्त था, लेकिन भोगेश्वर्य के चक्कर में बहुत सारी गड़बड़ पहले कर चुका था, वो कई बार अपराध कर चुका था। रावण की कथा किसी दिन अलग से लूंगा मैं। 10 सर 20 आंखें फिर भी नहीं दिख रहा उसको क्या करना चाहिए, 20 आंखों से भी नहीं दिख रहा है। कितनी औरतों ने पहले उसको श्राप दे चुका था। रावण जब स्वर्ग लोक गया था तो रंभा उसको मिली वहां पे, और युद्ध के बाद रंभा को अपने साथ ला जा, रंभा बोली नहीं नहीं आप ही के बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर से मेरा विवाह होने वाला है, मैं आपकी पुत्र वधु हूं, आपकी डॉटर इन लॉ हूं, आप नहीं मेरे साथ ऐसा कर सकते। फिर भी रावण ने जबरदस्ती करी। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया भृत चेतसाम। हां है रावण हमारे में और मुझ में, अगर मैं भी यही काम करता हूं तो। और फिर वही तया भृत चेतसाम इज गेटिंग डिस्टर्ब, और पकड़ लिया रंभा को, खींच के जबरदस्ती करी और उनके साथ में दुष्कर्म किया, जिसका बाद में चल के नल कुबेर को पता चला, जिसने श्राप दिया रावण को कि आइंदा से अगर तुमने किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर छू भी लिया तो तुम्हारा सर 100 टुकड़ों में बट के समाप्त हो जाएगा। यह कारण था रावण ने सीता को नहीं छुआ, यह नहीं था कि रावण को तुम भगवान की तुलना कर दोगे। रावण ने तो अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया,
और माया इतनी सुंदर थी कि माया की माया में फंस गया वो, और उनके साथ भी दुष्कर्म किया, जबरदस्ती किया, जिसके कारण उन्होंने बाद में उनको श्राप दिया और बोला स्त्री की वासना ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। रावण, रावण को कई बार इसीलिए मिले। और यही सारे अपराध छोटे बड़े हमारे करियर में, हमारी सक्सेस में, हमारी ग्रोथ में, और उसी के लिए भगवान ने भगवद गीता दी थी, उसको जीवन में उतारने के लिए। एवरीबॉडी गीता इन लाउडर, कम ऑन, गीता इन, गीता जीवन में उतारने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए नहीं, अगरबत्ती घुमाने के लिए नहीं, हाथ पर रख के कसम खाने के लिए नहीं, गीता भगवान जीवन में उतारने के लिए है। और इतना कुछ है, मैं वचन देता हूं, आप भगवद गीता पढ़िए और जिंदगी में जो चाहते हैं ये ऐसा कल्प वृक्ष है, अच्छा चाहेंगे वो भी अचीव होगा, बुरा चाहेंगे वो भी अचीव होगा, भगवान की शरण चाहेंगे तो वो भी अचीव होगा। ये था आज का श्लोक, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, व्यवसाय आत्मिका, आपका व्यवसाय और आप एक क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि समाधो न विधीयते, ऐसे आदमी का कॉन्सेंट्रेशन बिल्ड नहीं हो सकता। तो दूसरे अध्याय के 41वां श्लोक यानी कि पिछले एपिसोड से रिलेशन यह है कि भोग ऐश्वर्य को छोड़ दो, अपने गोल को पकड़ो और उस पर फोकस बिल्ड करो, जितना मजबूत फोकस उतनी बड़ी सफलता। मैं भारत में एक एक घर के अंदर भगवद गीता पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि धार्मिक किताब है, हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन हर इंसान को गीता रखनी चाहिए और अपने जीवन में पढ़नी चाहिए, उतारनी चाहिए, धर्म का चश्मा उतार के फेंक देना चाहिए। और ये पूरे देश का मेरे साथ में, मैं चाहता हूं आप वचन लीजिए कि इस भगवत गीता के मैसेज को पूरे देश पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे। ये भारत की पुस्तक नहीं है, इस पृथ्वी की पुस्तक है, ये हर देश में हर इंसान के पास होनी चाहिए, ये मेरी और आपकी हर देशवासी की जिम्मेदारी है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की जय।